प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं BA सेकेंड ईयर राजस्थान ज्योग्राफी की, और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, उन ऋतुओं से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम देख रहे थे। कौन कौन सी ऋतुएं थी, देखिए, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, इनका कुछ समय भी निर्धारित किया था हमने। ये थी मार्च से मध्य जून से सितंबर से अक्टूबर, मार्च से मध्य जून और मध्य जून से सितंबर या अक्टूबर कह सकते हैं हम, अक्टूबर से दिसंबर और फिर दिसंबर से फरवरी तक, या हम कह सकते हैं मार्च तक, ये ऋतुएं देखी थी हमने। और इन ऋतुओं के अंतर्गत हमने बात कर ली थी ग्रीष्म ऋतु की, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत हमने देखा था कि क्या क्या विशेषताएं थी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगता है, वनस्पति सूखने लगती हैं, फसल पकने लगती हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का, वहाँ तापमान अधिक होने लगता है, कुछ सवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती हैं जो वायु भंवर के माध्यम से हमें दिखाई देता है और उसको बम्बुलिया कहते हैं। और इसी के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में हमने एक चीज़ और भी बात की थी कि पश्चिमी क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण पश्चिमी हवाएँ चलती हैं जो तीव्र गति से चलती हैं, साथ साथ में गर्म होती है, शुष्क होती हैं, जिनको हम क्या कहा था, उन्हें लू कहा था। तो इस प्रकार से हमने ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के अंतर्गत क्या होता है, देखिए, राजस्थान की बात करते हैं हम, वर्षा ऋतु का जो समय है वो है मध्य जून से सितंबर का समय। अब मध्य जून की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में क्या होता है, पश्चिमी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो मैंने बताया था जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा, लो प्रेशर, निम्न दाब रहेगा। लेकिन हम एक चीज़ और बात कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। हम भारत के संदर्भ में इसलिए देख रहे हैं कि ये जो राजस्थान का मानसून है, ये भारतवर्ष के मानसून के आधार पर हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं हम,
अब राजस्थान के अंतर्गत तो होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यहाँ अरब सागर बिल्कुल जलीय क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी। ये जलीय क्षेत्र हैं हिंद महासागर, जलीय क्षेत्र। अब एक कंसेप्ट याद रखना हमेशा कि कोई भी जलीय भाग हैं या स्थलीय भाग हैं, उनका हम स्वभाव देखेंगे तो स्वभाव में अंतर जरूर दिखाई देगा। कैसा? कि जलीय जो भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, जल देर से ठंडा होता है। अगर देर से ठंडा होगा तो गर्म भी कैसे होगा, देर से ही होगा। ये जल का स्वभाव होता है। स्थल के स्वभाव की बात करेंगे जस्ट इसका उल्टा, शीघ्र ही गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, ये स्वभाव होता है। अब देखिए जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ तापमान ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं स्थलीय भाग का तापमान क्या है, ज़्यादा है। तो उस समय अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इस क्षेत्र में क्या होगा, तापमान कम होगा, क्योंकि सेम इसी समय क्या होता है, जल भाग अगर स्थल भाग गर्म हो गया है तो उसी समय जल भाग गर्म कभी भी नहीं मिलेगा, ये मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। तो तापमान कम है तो दाब कैसा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ उच्च दाब होता है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है, तापमान और जो दाब है वो दाब क्या होता है, कम होता है। तो दाब कम होता है तो देखिए, मैंने कल बताया था हवाएं कैसी चलेगी, हवाएं कैसी चलेगी, हवाएं चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी बिल्कुल। अब देखिए क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से व्यापारिक पवनें चलती हैं हमेशा, और इस साइड में भी चलती हैं, लेकिन वो कब स्पष्टतः होगी, जब सूर्य यहाँ होगा। यहाँ सूर्य तो या तो 21 मार्च और या 23 सितंबर यहाँ होता है विषुवत रेखा पर, लेकिन अब बात चल रही है किसकी, जून की, तो सूर्य यहाँ है, यहाँ है, तो ये हवाएं यहाँ नहीं आएगी। इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, जैसे ये ऊपर की ओर आ रही है, ये नीचे की ओर जाती है, इन दोनों का क्या होता है, मिलन होता है यहाँ पर विषुवत रेखा पर। लेकिन अब नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि सूर्य यहाँ है। ये कब चलेगी, जब सूर्य यहाँ होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब ये हवाएं, नीचे वाली हवाएं क्या करेगी, ये ऊपर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको लो प्रेशर चाहिए। ये हवाएं हाई प्रेशर से आ रही हैं नीचे से, और यहाँ लो प्रेशर यहाँ नहीं मिल रहा है, बल्कि लो प्रेशर तो यहाँ मिल रहा है, तो ये हवाएं यहाँ आने की कोशिश करेगी। जैसे ये देखो, 0 से नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया और 0 से ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में आएगी ये हवाएं, तो क्या होगा, एक फेरल का नियम होता है, फेरल क्या कहता है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके कारण है, कोरियोलिस बल के कारण। किसके कारण है, कोरियोलिस बल के कारण, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब ये फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाएंगी, इस साइड में मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी, बिल्कुल मुड़ जाएगी,
और ये व्यापारिक पवनें होती हैं, ये दक्षिणी होती हैं, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध से आई हैं, ये इस प्रकार से मुड़ जाएंगी। अब देखिए, ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं की दिशा क्या होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, मेरे हिसाब से चल रही है। क्या चल रही है? बिल्कुल चल रही है। कहां से उत्पत्ति हुई, किस साइड से? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, बीच का क्षेत्र है, तो कौन सी साइड हो गई? दक्षिण है, पश्चिम। ये जो हवाएं हैं, ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, और ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं क्या करती हैं? ये हवाएं इस जलीय क्षेत्र से क्या लेकर आती हैं? नमी लेकर आती हैं। इस जलीय क्षेत्र से जैसे ही गुजरती हैं, क्या ग्रहण कर लेती हैं? नमी ग्रहण कर लेती हैं, और नमी ग्रहण करने के बाद में जैसे स्थलीय भाग में पहुँचती हैं, तो वो क्या करती हैं? ये वहाँ पर वर्षा करनी शुरू कर देती है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यही मानसून है जो राजस्थान में प्रवेश करता है। अब देखिए, राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करेगा, क्या होगा? अब इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, दक्षिणी भारत के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और यहीं से समझा देता हूं आपको। ये देखिए, यहां अरब सागर है इस साइड में, यहां बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर। ये हवाएं ऐसे चली और यहीं रह गई, कुछ हवाएं ये चली और आगे की ओर चली गई। यहां क्यों रह गई? ये जो प्रदेश है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये उच्च प्रदेश है, ये काफ़ी ऊंचा प्रदेश है। ऊंचा प्रदेश होने के कारण हवाएं इससे टकराती है और यहीं रह जाती हैं। जहां इसको स्पेस मिलता है, आगे चली जाती है, लेकिन इस प्रदेश को कवर नहीं कर पाती है। अब देखिए, एक चीज़ तो ये जा रही है इस साइड में, और एक यहां से जा रही है। अब दो साइड हो गई, ये साइड कहलाती है अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये जो मानसून था, ये कौन सा था? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून की दो शाखाएं आपको दिखाई देगी, एक अरब सागर की और दूसरी बंगाल की खाड़ी की। जो राजस्थान में प्रवेश करती हैं, वो राजस्थान में, ये देखिए, यहाँ से प्रवेश करती हैं। ये कौन सी शाखा हो गई? अरब सागरीय शाखा हो गई। और ये अरब सागरीय शाखा क्या करती हैं? अरावली के समांतर होते हुए आगे ये क्या हैं? हिमालय हैं। यहाँ आ जाइए, ये हिमालय हैं। ये जैसे जैसे इस प्रकार से सामने क्या आ गया? हिमालय आ गया। तो ये अरब सागर की जो शाखा है, ये कहाँ टकराएगी? अरावली के समांतर होते हुए हिमालय से टकराएगी। ये भाग क्या रह गया? वर्षा से वंचित रह गया। मतलब जितनी वर्षा यहाँ होगी, उससे यहाँ पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ये हो गया अरब सागरीय मानसून। और याद रखना, जो सर्वप्रथम शाखा पहुँचती है राजस्थान में, वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की पहुँचती है या अरब सागर की? याद रखना हमेशा, अरब सागर की जो शाखा है, वो शाखा सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश करती है, और वो करती है बांसवाड़ा के अंतर्गत। मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है राजस्थान का। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रवेश करती हैं राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम अरब सागर की मानसूनी शाखा। अब देखिए, दूसरी शाखा मैंने कहा इस प्रकार से, इस साइड से होते हुए आती है, ये
ये जैसे यहाँ आती हैं, ये आगे आपको इसको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। तो ये यहाँ से टकरा कर यहाँ वर्षा करेगी, फिर ये हवाएं इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी साइड हो गई। ये क्या है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। पूर्व से पश्चिम हो जाती हैं, पूर्व से पश्चिम हो जाती हैं, इस प्रकार से आती है। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं। ये अब बंगाल के खाड़ी की शाखा भी राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में सर्वाधिक जो वर्षा होती हैं, वो सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती हैं, और ये हिमालय के समांतर होती हैं। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आती हैं, तो देखिए इन हवाओं की, बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो हवाएं हैं, इनकी उत्पत्ति किस साइड से हुई है, पूर्व से आ रही है, और जा कहाँ रही है, पश्चिम। पूर्व से आ रही हैं, तो इन हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पूर्वैया कहते हैं या पूर्वाई कहते हैं। पूर्वैया कई बार आपने सुना होगा, पूर्वैया चल रही है, इसका मतलब कौन सी शाखा से आ रही हवाएं, बंगाल के खाड़ी से आ रही हैं, पूर्वाई या पूर्वैया कुछ भी कह सकते हैं हम। ये स्थानीय भाषा में कहते हैं हम किस शाखा को, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान को कवर करना चाहती हैं। अरब सागर से जो वर्षा होती है राजस्थान में, वो क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो ये थी हमारी वर्षा ऋतु, राजस्थान के अंतर्गत जो वर्षा ऋतु हैं वो किस प्रकार आती हैं, किस प्रकार जाती हैं। तो ये आपको दो शाखाओं के माध्यम से बताया मैंने, और कौन सा मानसून बताया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। डायरेक्ट भी आ सकता है राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझाइए, तो आपको यही समझाना है। या ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु को समझाइए, तो आपको इसी प्रकार से याद रखना, मैप ज़रूर ड्रॉ करना है आपको। अगर मैप ड्रॉ नहीं करोगे तो मानसून को समझाने का जो तरीका आपका, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मैप आपको दर्शाने ही होंगे। अब देखिए जो वर्षा होती है राजस्थान में, वो वर्षा का वितरण देखेंगे हम, कितने सेंटीमीटर होती है और कहाँ होती हैं ये देखेंगे। देखिए पश्चिमी क्षेत्र की बात करेंगे, बीस सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं हम, यहाँ 20 सेंटीमीटर, फिर 40 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से अधिक, ये नीचे का क्षेत्र हो गया 80। ये देखिए 0 से 20 का क्षेत्र ये हो गया, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। फिर आगे हम बात कर रहे हैं शुष्क क्षेत्र की, तो वो हो गया आपको 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य। और फिर मैंने 50 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची है, तो याद रखना 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। सम वर्षा रेखा कितने सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की, और राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड कर रही हैं,
दो भागों में डिवाइड कर रही हैं। फिर उसके बाद में मैंने 40 से 60 के बीच में एक क्षेत्र आपको बता दिया है। उसके बाद में जो मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो 60 से 80 के बीच में आता है, और 80 से अधिक का जो क्षेत्र है ये झालावाड़, कोटा, नीचे जो माउंट आबू, सिरोही का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या होती हैं, सर्वाधिक वर्षा होती हैं। और ये जो संवर्षा रेखा मैंने बताया है, इस संवर्षा रेखा के पश्चिम ये पूर्व, इस संवर्षा रेखा के। अब पश्चिम में क्या होगा, पश्चिम में देखिए, संवर्षा रेखा के पश्चिम में सूखा, अकाल, वनस्पति विहीन ये क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में वर्षा क्या होती हैं, 0 से 50 के बीच में होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं बहुत कम होती हैं। इसके कारण ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सूखा, अकाल और वनस्पति वहीन क्षेत्र। लेकिन पूर्वी भाग में क्या होती हैं, आर्द्रता अधिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, और आर्द्रता अधिक होने के कारण ये क्षेत्र आपको कैसा दिखाई देगा, ये क्षेत्र देगा आपको हरा भरा क्षेत्र दिखाई देगा। अब देखिए, सर्वाधिक जो राजस्थान में वर्षा होती हैं वो माउंट आबू सिरोही में होती हैं, सर्वाधिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से अधिक या 150 सेंटीमीटर वर्षा होती हैं कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में, जो राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इस प्रकार से हमने वर्षा ऋतु के बारे में देखा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छी तरीके से इसको डायग्राम के साथ में समझिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।